नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त भी आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। आज हम आपको तीन जगहों का हाल बताने के लिए जा रहे हैं। देवरिया, गोंडा, प्रयागराज का हाल आपको बताएंगे, तो वहीं वहां की जनता क्या सोचती है और उनके मुद्दे क्या हैं। अगर बात करें देवरिया की, तो पूर्वांचल का हिस्सा है और इस बार देवरिया जिले का राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। जिले की दो नगरपालिका सीटों में देवरिया नगरपालिका सीट तो इस बार भी महिला के लिए ही आरक्षित है, लेकिन बरहज नगरपालिका सीट का आरक्षण बदल गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में भी बदलाव हुआ है। तो वहीं अगर बात करें गोंडा की, तो गोंडा में तीन नगरपालिका के साथ सात नगर पंचायतों में चुनाव हैं और हर सीट पर कड़ी फाइट दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प इस बार प्रयागराज में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर होगा, क्योंकि अतीक की हत्या से क्या बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। और चलिए निकाय चुनाव को लेकर देवरिया की जनता का क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पंचायत में है और आइए जानते हैं यहाँ के लोग किस तरीके के प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे और क्या इनके मुख्य दावे हैं और क्या किस बेस पे और किस आधार पे ये वोट प्रत्याशियों को देंगे। जी, सबसे पहले बताएंगे किस वार्ड कराने वाले, कहाँ कराने वाले हैं और कैसे प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे आप? जो विकास करे, सड़क नाली बिजली पानी की व्यवस्था का समुचित प्रबंध कर सके, वही सब प्रत्याशी। इसके पहले में पूर्व में जो भी रहे हैं अध्यक्ष, उसे कैसा विकास हुआ है, किस तरीके का विकास हुआ है, क्या कमियां रह गई? विकास तो दिख ही रहा है, कहीं कोई विकास विकास नहीं है। भाजपा ने फिर उस पर प्रत्याशी पर दाव लगाया है और फिर ऐसे प्रत्याशियों को बार बार आने में विकास कार्य देख कर ही तो किया गया होगा। ये तो समय बताएगा, मतदान के बाद पता चलेगा कितना विकास हुआ है। जी, अभी हम बात कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि हमें विकास करने वाला प्रत्याशी चाहिए जो कि जनता के हित में काम करे, नाली सड़क खांजा बिजली का जो व्यवस्था कर सके और हमारे हक के लिए लड़े। आइए जानते हैं, कोई एक और वोटर है किसी और वार्ड से हैं और ये इनका क्या कहना है। जी, आप पहले बताएं किस वार्ड से हैं और कहां? हम तो पूर्वा मेहड़ा दुर्गा मंदिर से आगे के हैं, जो अभी नगर में शामिल हुआ है। जी, किस तरह के प्रत्याशी का आप चुनाव करेंगे और क्या हम चाहते हैं? संघर्षशील प्रत्याशी हो जो नगर को मॉडल बनाए और विकास करे। आपको विकास देखना है तो कोपरी चौराहे सर्वम मंदिर चले जाइए, मुंशी गोरखनाथ टोला के रोड पर चले जाइए, भगवान चौराहा वाले रोड पर चले जाइए। विकास हुआ है, किस तरीके का विकास हुआ? विकास तो बस भाषण में हो रहा है, जमीन पर तो विकास है नहीं। आपको प्रत्याशी किस अभी रोड को कहेंगे तो रोड नगर का थोड़ी ना है, तो रोड अथॉरिटी का है। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए कि विकास कर सके नगर का? प्रत्याशी संघर्षशील चाहिए, जनता के बीच बराबर सुबह शाम तक रहता हो, एसी में रहने वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए। जी, आइए जानते हैं कुछ और यहाँ पे वोटर हैं और इनका क्या राय है और कैसे वो यह प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। जी, पहले आप नाम बताएंगे किस? हमारा नाम जय प्रकाश नारायण। जी, कहाँ कराने वाले हैं? हनुमान मंदिर का। जी, कैसे प्रत्याशियों का आप चुनाव करेंगे? प्रत्याशी वही जो कहे हैं, जिस सड़कों को गिनाए हैं सड़क से ही देख करके लग जाएगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। कैसे प्रत्याशियों का अब चुनाव करना चाहेंगे? चुनाव नजदीक आ गया है, चुनाव करने तेज हो गई है। चुनाव तो हमेशा जनता बढ़िया ही प्रत्याशी को चुनाव करती है, लेकिन जब वो प्रत्याशी जीत करके और कोई काम न करे तो उसके लिए जनता तो उनकी वोटर के जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो वोटर है, लेकिन वोटर सीधी जनता तो बदलते हैं। अब करे ना नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जनता तो उनकी गई। तो मैंने आपको कैसा प्रत्याशी बढ़िया हो? हाँ। किस तरह जो काम करने वाला हो, काम करने वाला जिसके निगाह में जो परेशानी है, जो कमी है, दिखाई दे। आपको नाली खरंजा बिजली, नाली खरंजा वो भी काम हो। हाँ। जो एक जनता के हित के लिए हो वो उसके दिमाग में दिखाई दे। जी, आइए एक और यहाँ पे क्या नाम है वोटर हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह के प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। जी, आप किस तरह का प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे, क्या मुद्दे रहे तो सही रहेगा, क्या विकास कार्य के एजेंडे पे वो आप प्रत्याशी वोट मांगेंगे? प्रत्याशी तो कर्मठ होना चाहिए और इस समय जनता भी यही चाह रही है कि हमारा जो है प्रत्याशी जुझारू हो, ताकि नगर पालिका से लड़के अपने वार्ड में अधिक से अधिक काम कराए।
मूलभूत सुविधाएं के लिए यहाँ वोट मांगा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं, कैसा कैसा प्रत्याशी चाहिए कि जो विकास कार्य में अपने खर्रा उतरे? इस समय विकास कार्य बहुत जोरदार हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है, उसमें और इजाफा हो और बढ़िया काम हो इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। कैसे प्रत्याशी होने चाहिए विकास के लिए? विकास के लिए जुझारू और ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए, जो ईमानदारी से लड़के अपने वार्ड में अधिक से अधिक काम कराए और बढ़िया बनाए, सुंदर बनाए, नाली बनाए, RCC कराए, और काम हो रहा है। आइए देखते हैं एक और वोटर हैं और ये इनका क्या राय है और जानते हैं कि आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए कि जो नगर का विकास हो के विकास हो सके। ऐसा है कि विकास पुरुष के नाम पर पहले रामायण राव चले हैं, रामायण राव के बाद अलका सिंह का दो राउंड हो गया और जनता विकास उनका देख रही है और वो विकास के नाम पर वोट करेगी। यह जो सीट थी किसके कब्जे में रहती थी और कब तक यह सीट कब्जे में किसके रही? दो राउंड 10 बरस तो अलका सिंह के कब्जे में रहा, उसके आगे 5 साल रामायण राव के कब्जे में रहा। अब आने वाले दिन में विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। आपको कैसे प्रत्याशी चाहिए कि जो इसका विकास हो और इससे भी बढ़िया विकास? जनता तो एक बार वोट देकर 5 साल के लिए चुप हो जाती है। जनता तो मान लीजिए किसी पर विश्वास किया उसी को वोट दे दिया, वो बन गया, अब बन गया तो कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो जनता 5 साल के लिए साइलेंट हो जाती है, देखती है तमाशा। हम अभी बात कर रहे थे देवरिया नगरीय के कुछ वोटरों से, वोटरों ने बताया कि हमें मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी जैसे शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए और इसके लिए जो लड़े वैसा है वही प्रत्याशी चाहिए और जो हमारे बीच में रहे और हमारे मुद्दों को उठाए और सरकार से मांग करे, विकास की बात करे, ऐसे प्रत्याशियों को हम वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 15 नगर पंचायत हैं और 2 नगर पालिका, यहाँ वोटर ये 5 लाख के करीब हैं, लेकिन ये वोट यह जो जो आपका देवरिया सदर रहा है जो हर समय बीजेपी के कब्जे में रहा है और ये यहाँ पे अदरवाइज कोई नहीं रहा, 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी का दबदबा है और ये वोटर भी बीजेपी के पक्ष में ही वोट करते आए हैं, लेकिन इस समय वोटरों का मन विचलित हुआ है। उनका कहना यह है कि जो हमारे मूलभूत सुविधाओं पे जो बात करेगा मैं उसको वोट करूंगा। देवरिया से लाल बाबू, जनता टीवी के लिए। तो देवरिया की जनता का क्या कुछ कहना है शहर की सरकार को लेकर वो आपने सुना, आपको प्रयागराज की जनता का मूड भी बताते हैं। चुनाव को लेकर जहां बिगुल बच चुका है और सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू है, तो ऐसे में प्रयागराज भी एक प्रमुख रखता है अपने आप में, क्योंकि इसे तीर्थों के राजा प्रयागराज कहा गया है और यहां से ही कहा जाता है कि चुनाव की एक अलग भूमिका होती है। और हम यहां के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चुनाव को लेकर आपके शहर में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की समस्या है, क्या कहिएगा? चुनाव की व्यवस्था सही है, बहुत छानबीन करने के बाद सरकार ने इसको OBC वगैरह कोटा देने के बाद तो लिया है। हम लोगों को मुख्य समस्या जैसे छुट्टे जानवरों की है, पाल कुत्ते उत्तों की है, ये अब सुबह टहलने निकलो पता लगा कुत्ते दौड़ाने लगते हैं, हाथ भी डंडा ले, कितने आदमी डंडा लेके निकलेंगे ना। छुट्टे जानवरों के सरकार बहुत घोषणा करती है छुट्टे जानवर पकड़े जाएंगे, कुत्ते पकड़े जाएंगे, लेकिन हम लोग सुबह टहलने निकलते हैं छोटे जानवर खूब घूमते रहते हैं जो दौड़ाते हैं। आपको दौड़ा लेते हैं? बिल्कुल दौड़ाते हैं, आप मोटरसाइकिल से निकल जाइए मोटरसाइकिल से कुत्ते दौड़ा लेते हैं। हम और लोग से बात करेंगे, ये बताइए आपके शहर में और या वार्ड की बात करें, छोटा चुनाव है, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या परेशानी है? देखिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जमीनी रूप से लोगों ने अपना विश्वास जताया है। अब विश्वास तब आदमी जताता है जब उसको कुछ काम दिखता है। अभी हम अगर प्रयागराज की बात करें तो जिस स्थान पे हम खड़े हैं उस स्थान की ही जो सूरत थी आज से 5-7 वर्ष पूर्व और आज जो सूरत उसकी है, आप एक बार अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। ये भी एक पुराने शहर का हिस्सा है और केवल प्रयागराज नहीं, आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, मैं हिंदुस्तान की बात भी नहीं कर रहा, हर जगह जहाँ पे आपने कहा कि यहाँ की हाल बदले हैं। निरंजन के पास जब राधेश्याम की कलाकृति लगी थी कुंभ के दौरान, आपको मालूम उसकी कई बार बांसुरी गायब हुई है? जी एकदम मालूम है। देखिए ये टू वे सिस्टम होता है, जो विकास का सिस्टम होता है वो टू वे होता है, कुछ विकास सरकार आपको करके देगी, कुछ हमें उसको मेंटेन करना है।
ठीक है। आपने इनका कहना है कि कुछ सरकार करके देगी, कुछ आपको करना है, आप इसके क्या कहेंगे जिस तरह से आपके शहर में समस्या है? समस्याएं तो है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि पुराने शहर और नए शहर में दो शहर है, यहाँ पे बिल्कुल भेदभाव है। और उसी तरीके जैसे ये मीरापुर वार्ड है, मीरापुर वार्ड में भी एक एरिया ऐसा है आपको लगेगा सिविल लाइन है और दूसरा एरिया आपको लगेगा जैसे पुराना शहर है। सिविल लाइन जो भी सुंदरीकरण वगैरह होता है, जो भी प्रोग्राम आता है सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट, वो सब उधर ही होता है। सिविल लाइन, अशोक नगर, जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, ये सब एरिया में होता है। मीरापुर, मुट्ठीगंज, कीटगंज, करेली, इन सब एरियाओं को छूते भी नहीं है ये लोग, बिल्कुल होता है। तो और लोग से बात करेंगे, ये बताइए आपके शहर में और आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या है? छोटा चुनाव है मगर अहम चुनाव है क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ पर है सफाई की, नालियों की सफाई की। यद्यपि सरकार काम कर रही है मगर पर्याप्त रूप से भी हमें वो नहीं मिला। एक सड़कों की समस्या है। अगर आप अतरसुइया चौराहे से या आप ये कह सकते हैं कि खत्री पाठशाला से कोतवाली तक जाइए, उस रोड के ऊपर 1000 से ज्यादा गड्ढे हैं। सरकार ने तो कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, वो दो बार सरकार। भैया मैं सरकार के, आप ऐसा है, आपके पास टीवी है, आपके पास कैमरा है, और आप कृपया, हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप यहाँ से उठिएगा और पहले अतरसुइया वाले चौराहे से आप कोतवाली तक जाइएगा। वो रोड ऐसी है कि जो 24 घंटे चलती है। अगर आप रात में भी 2 व्हीलर्स आमने सामने से आ जाएंगे तो वहां पे जाम हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को उस रोड से ले जाया जाए तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा। तो और लोगों से हम जानेंगे, बताइए आपकी क्या कहना है। देखिए, चूंकि जनता की राय आप ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है कि देखने का दो तरीका। अभी हमारे माननीय पार्षद कह रहे थे कि इस जगह को देखिए और कुछ जगह दिखा रहे थे, वो सामने बोर्ड लगा है, कुंवर रेवती रमन सिंह, शिवपाल यादव सिंह यादव। तो मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी थी, समस्या यही है। फीता काटने वाली कहानी कि एक्सप्रेस वे बन गया उद्घाटन, ये बन गया उद्घाटन। तो उद्घाटन वाली परंपरा के बाद भी स्थिति शहर दक्षिणी की, जनता के आरोप प्रत्यारोप जनता में भी चालू। आप बताइए क्या समस्या है। 2 मिनट भाई साहब, आप हमारे साथ चलिए, जस्ट नीचे उतर जाइए। नहीं, आप यही बताइए समस्या क्या है। समस्या बेस्ट है, आप कैमरे के सामने दिखा देंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। जर्जर स्थिति है, नाला का पानी गिर रहा है हमारे जमुना जी में। ये देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कई बार ये चर्चाएं हो चुकी है कि गंगा अविरल और निर्मल की बात होती है और कुंभ में सबसे बड़ी बात है लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे 2025 में, मगर अभी भी नाले का पानी यहाँ गिर रहा है। और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे किस प्रकार की समस्या है आपके क्षेत्र में। हमारे मोहल्ले में तो समस्या बहुत है। पहला समस्या क्या है कि हमारे शमशान घाट जो है, जब मिट्टी आता है तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग का पहला नंबर है। वहाँ पर जब मिट्टी ज़्यादा समझ, पूरी रास्ता जाम हो जाता है, वहाँ कोई निकल नहीं पाता, ठीक है। दूसरी समस्या, मैं 200 साल से देख रहा हूँ हमारे यहाँ ये मेला होता है नागपंचमी का, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी कच्ची ज़मीन है, आप भी देख लीजिए। एक तो पुलिया है जिसमें उसमें दीवार नहीं है बगल बगल, कभी कोई रिक्शा वाला गिर जा रहा है। आप लोग ने अपने किसी से कंप्लेंट करी? बहुत बार कंप्लेन किया, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये वही बात आती है कि जज साहब तारीख पे तारीख मिलती, इंसाफ नहीं मिलता। फिलहाल और लोग भी हम यहाँ बात करेंगे, बताइए क्या कहेंगे जिस तरह के आरोप हैं और यहाँ पर जनता एकदम बता रही है समस्या को लेकर। देखिए, आप भी जनता हैं। मैं तो फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ सदियापुर से, और हम लोगों ने जो भी काम कराया है आप जाकर के उसको देखिए, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले के अपेक्षा 10 साल पहले जो भी थे माफिया, जनता झूठ बोल रही है। माफिया आज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, देखिए मैं प्रदेश की लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, छोटे चुनाव की बात कर रहा हूँ उसकी बात। मैं देखिए, जैसे कि दिखाया कि शिवपाल और रेवती रमन सिंह का लगा फीता काटने का आरोप लगा, नहीं नहीं कुछ काम उनके समय में हुआ है और उससे ज्यादा काम जो आज के समय, नहीं नहीं फीता काटने की बात नहीं है, यहाँ फीता काटने की पार्षद जी जो बता रहे हैं आप सुन रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं, जनता कहना है कि फीता काटा है। फिलहाल और लोग हैं, हम बातें आप सुनिए इनसे क्या कहना है। जनता कह नहीं रही है, यही सच्चाई है। सबसे बड़ी समस्या के जो भाई ने बोला कि आज भी नाले का पानी गंगा जी यमुना जी में आता है, जिसको स्वच्छ करने की बात कही जाती है। 5 साल भी दिया, 10 साल भी दिया, बारिश का पानी आता है घरों तक, वैसे ही गंदा पानी जाता है।
अब सही हो जाएगा, अब सही। अरे दो दिन में तो पब्लिक बीमार हो जाती है, जनता बीमार हो जाती है। एकदम आप समझिए, उससे कुछ साफ ही है, इतना प्रदूषित नदी है उससे, लेकिन जो घर में पानी आता उससे तब भी ये साफ है। लेकिन अगर ये आरोप मुझ पे लगेगा कि भेदभाव वाला, कि मैंने अपनी बिरादरी अबो, तो मैं उसके लिए यहाँ तो किसी विशेष समुदाय या बिरादरी से नहीं, एक नहीं, एक मिनट, एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी बड़े भाई मेरे बोल रहे हैं, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा सर, जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने उधर काम कराया इधर नहीं कराया या फलानी सड़क पे, आगे समय में कराएंगे। मेरी बात को सर आप कहने तो दीजिए, बताइए समय का। जी जी जी, सभी कामों को कराया जाएगा, ये भेदभाव नहीं है। होता क्या है कि कभी कभार जैसे कि उस एरिया के लिए कुछ एक फंड आता है तो उसकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज होती हैं। हमारे पास फंड आएगा और कहा जाएगा कि बच्चियों के लिए बारात घर बनना है, तो वो एक बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जो कि कभी नहीं बन पाया। हम लोग को फंड नहीं आता, आप पहले पता करिए, माननीय पार्षद के हाथ में फंड नहीं होता है। हम लोग माननीय महापौर जी के माध्यम से, माननीय विधायक के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से प्रस्ताव करके अपने क्षेत्र में काम कराते हैं। वही तो बोलने जा रहे हैं, हम लोग के पास फंड नहीं आता। उत्तर प्रदेश के अंदर 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है, माननीय पार्षदों के हाथ में डायरेक्ट पावर नहीं होती है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और अगर मैं मीरापुर, आप मेरे साथ मेरा, अगर मेरे वार्ड की मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे साथ अगर आप मीरापुर को संपूर्ण रूप से घूमेंगे, मेरे साथ दोपहिया पे चलिए, और यहाँ पे बात अगर कहूंगा तो बहुत लंबी होती जाएगी। साहिल की अगर बात हम करें, उनकी बातों से जो लग रहा है कि उनके हाथ में पावर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं महापौर और विधायक निधि से होते हैं, और कहीं ना कहीं साहिल के साथ भी भेदभाव हुआ, ऐसा उनका इशारों में आरोप है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है। फिलहाल निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए हम आपको गोंडा लेकर चलते हैं, और गोंडा के लोगों का क्या कहना है निकाय चुनाव को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल, आप देख रहे हैं जनता टीवी। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और आज सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलने जा रहा है। ऐसे में जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वार्ड में जाकर प्रत्याशियों द्वारा जनता को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। आज जनता टीवी की टीम गोंडा के नगर पालिका में मौजूद है, वहां की जनता से जानेंगे कि इस बार किस मुद्दे पर वो अपना मतदान करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम सबसे पहले भाई साहब से जानते हैं कि इस बार गोंडा के नगर पालिका में किस मुद्दे पर चुनाव होंगे। भाई साहब, इस बार नगर पालिका विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे और सरकार की अच्छे काम पर, विकास पर काम हो, चुनाव होंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ की जो अध्यक्ष थी वो सबसे भ्रष्ट काम, जितनी खाली जमीनें थी वो कब्जा की, कितने घोटाले हुए नगर पालिका में, सबसे ज्यादा घोटाले इस 5 साल में हुए। तो क्या इस बार बदलाव होंगे? बिल्कुल बदलाव होंगे और सरकार के पक्ष में रहेगा। गोंडा जिले में एक बड़ा नाम आ रहा है निर्मल श्रीवास्तव का, जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और अब वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा है। क्या वो इस चुनाव में कुछ करेंगे? कुछ नहीं, पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं दी है तो उन्हें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, पार्टी से बगावत नहीं करनी चाहिए। पार्टी सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर टिकट नहीं दी है तो पार्टी के साथ उन्हें देना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, मिलते जाएंगे। भाई साहब, गोंडा में इस बार नगर पालिका के चुनाव में किस मुद्दे पर आप लोग मतदान करेंगे? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पे सीवर लाइन होना चाहिए। अभी पिछले दिनों बरसात हुआ था, कोई ऐसा घर नहीं था जिसके घर में पानी ना भरा हो। आप 10 साल से चाहे समझिए चेयरमैन हो चाहे विधायक हो, सीवर लाइन का वादा सब कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं करवा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाली की है। दूसरी समस्या है गर्मी, हर साल आती है, 5 साल में कहीं भी ना तो एक वाटर कूलर है, ना पशु पक्षियों के लिए नादा रखा गया है कि वो भी पानी पिए। और तीसरा मुद्दा ये है कि अभी जो निर्मल खड़े हुए हैं, जनता में लोकप्रिय तो हैं लेकिन अगर इनको टिकट बीजेपी से मिल जाता तो शायद ये बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मल श्रीवास्तव इस चुनाव में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेंगे? इस चुनाव में जो हम जनता का हमें झुकाव दिखा वो ज्यादातर निर्मल के तरफ झुक रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी भी कैंडिडेट खड़ा कर दी है तो लड़ाई मतलब बीजेपी और निर्मल में ही होने वाली है। तीसरी प्रत्याशी है जो भी मौजूदा है उजमा राशिद, हमने कई बार वोटर लिस्ट देखा है इनके लिए, जो प्लस वोट है मुसलमानों का ये करीब बहुत ज्यादा काट दिए गए हैं, इसलिए उजमा राशिद हमें लड़ाई में नहीं दिख रही हैं।
ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? उज्मा राशिद यहाँ की नगर अध्यक्ष रही और नगर पालिका की, और उनका कार्यकाल 5 साल रहा, तो क्या वो इस बार फाइट नहीं करेंगे क्या? 5 साल में वो हमारा, हमें लगता है कि कुछ काम नहीं किए हैं, और जो कुछ काम किए हैं सुंदरीकरण का काम किए हैं। चलिए, हमारे साथ और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, इस बार नगर पालिका के चुनाव में आपके यहाँ किस मुद्दों पर चुनाव होंगे? भैया, सबसे बड़ी मुद्दा है ये साफ सफाई और नाली की, सीवर लाइन। आज अगली बार बारिश हुआ था तो पूरी दुकान और मकान में, सबके मकान में पानी भर गया था, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं गया। इस बार चुनाव किस मुद्दे पे आप लोग बदलाव करेंगे? अब हाँ, बदलाव तो करेंगे ही। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम एक यहाँ पे एक चौराहा है, एक बगल में दुकान भी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे एक सर मौजूद है, इनसे जानेंगे कि नगर पालिका में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में। मुद्दा केवल विकास का होगा, और अब की बात जनता परिवर्तन करने के मूड में है, कि जो भी नगर पालिका अध्यक्षा रही, इनके खानदान में इनके पिताजी और ये मिलकर के पूरा 32 साल नगर पालिका गोंडा में जमे रहे, और नगर पालिका गोंडा बिल्कुल आपने सुना भी होगा कि देश में सबसे गंदा शहर गोंडा माना गया था। मतलब इन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया, और केवल अगर कोई विकास हुआ तो भ्रष्टाचारियों का। नजूल की पूरी जमीनें छका ली गई, तालाब सारे पट गए, जितनी नालियां या नाले बनवाए गए थे उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, एक भी नाले और नालियां आपको शहर में नहीं दिखाई देंगे। गोंडा रेलवे स्टेशन से लेकर कचहरी तक कहीं भी शौचालय या शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई भी जनता अगर रास्ते में किसी को बाथरूम लग जाए तो वो कहीं जा नहीं सकता। तो क्या इस बार बदलाव होंगे? बिल्कुल 100% बदलाव करने के मूड में यहाँ की जनता है, और बदलाव निश्चित होगा। एक मिनट, ये जो चाचा जा रहा है, इस बार नगर पालिका के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? ये तो हमें पता नहीं। इस बार नगर पालिका चुनाव में बदलाव होंगे? बदलाव तो होने चाहिए। एक निर्मल श्रीवास्तव जो कि निर्दलीय टिकट पक्का भरे हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनका रोल क्या होगा इस चुनाव में? अभी तो आप ही मुझे बताओ। चलिए दादा, कर रहे हैं बदलाव होंगे। ये दुकान है, आप देखो दुकान दिखाने, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, इस बार नगर पालिका के चुनाव में, थोड़ा बाहर आ जाइए, इस बार नगर पालिका के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? इस बार नगर पालिका के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो विकास का रहेगा। देखा गया कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, जैसा भी भाई एक भैया ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ मतलब दिखावे का काम हुआ है और कोई वैसा काम नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, रात में थोड़ा 7-8 बजे निकलिए रात में, तो यहाँ की जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं वो एकदम से बंद रहती है, जलती नहीं है। यही सब मुद्दे होंगे विकास में, सुलभ शौचालय हुआ कई जगह पे नहीं है, पिंक टॉयलेट हुआ, ये सब चीजें होनी चाहिए। क्या बदलाव होंगे? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। आ रहा है निर्मल श्रीवास्तव का, जो कि निर्दलीय नामांकन किए हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनका क्या रुख रहेगा? हाँ, वो मांग जरूर रहे थे, लेकिन अब उनको टिकट नहीं दिया गया। हाँ, ये है कि वो अब इस बार बहुत बड़ी टक्कर देने वाले हैं भाजपा के प्रत्याशी को, कुछ उलटफेर होने वाला है इस बार नगर पालिका के चुनाव में। एक भाई साहब और दुकान में, भाई साहब इस बार नगर पालिका के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? भैया, मेन विकास का मुद्दा है, और बाकी तो यूपी में और केंद्र में बीजेपी सरकार है, गोंडा में भी बीजेपी बन जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। भैया, क्या समाजवादी इस बार टक्कर में क्या? समाजवादी कहीं नहीं टक्कर में। हमारे सारे भाई साहब खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे कि इस बार क्या होगा। बहुत सारे लोग, धूप ज्यादा इसलिए लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि भाई साहब एक मिनट जरा बाहर आ जाइए, आइए जानते हैं इस बार आपके यहाँ नगर पालिका के चुनाव में क्या होंगे। चलिए, कह रहे हैं कि अभी हम कुछ हमें मालूम नहीं है, तो कुल मिला के धूप की वजह से बहुत सारे लोग अंदर हैं, लेकिन जो चीजें आपको हमने दिखाया, कहीं ना कहीं इस बार नगर पालिका के, गोंडा के नगर पालिका के चुनाव में बदलाव होते दिख रहे हैं, और जो जनता ने बताया कि यहाँ पे 5 साल में जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष रही उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं बदलाव होने का चांस है। लेकिन बात करें निर्मल श्रीवास्तव की, तो जो कि वो एक बार यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और बीजेपी से वो अपनी तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे थे, और इस बार उनको बीजेपी ने फिर ठेंगा दिखा दिया, तो वो बगावती देवर अपनाते हुए वो निर्दलीय पर्चा भरे हैं, और वो अपना प्रचार प्रसार तेजी से करते दिख रहे हैं, तो इस बार यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होती दिख रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि हार जीत किसके पक्ष में जाती है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको दिखाया, कहीं ना कहीं इस बार बदलाव होने की संभावना है। गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह। तो देवरिया, प्रयागराज और गोंडा में क्या कुछ कहना है लोगों का निकाय चुनाव को लेकर, वो आपने सुना। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।